ঠেলে 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 নাও, ঠেলে নাও, কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু ঘোষটাবে না সম্রাট, এটা ঠেলে আনো, আস্তে আস্তে, বাস বাস এবার ঠেলে নাও। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है संडे एंड आज का दिन आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि अभी हम लोगों के घर में ऑलरेडी आ चुके हैं कारपेंटर। सो कारपेंटर से हम लोगों का कुछ काम था घर में कराना था बाकी, तो वही सब काम करा रहे हैं एंड अभी वो चले भी गए, तो उसके बाद सम्राट घर में थोड़ा सा सैनिटाइज कर रहे हैं एंड अभी ना हम लोग ये सब सैनिटाइज करने के लिए ये सरफेस मीन जो भी हार्ड सरफेस या फर्नीचर ये सबको सैनिटाइज करने के लिए सेवलॉन का ये डिसइंफेक्ट स्प्रे यूज़ करते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा एकदम पुलट पुलट करके फर्नीचर इधर में भी कुछ है, बेड साइड टेबल, फिर मेरा कारपेट भी यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि घर में काम चल रहा था बेडरूम में स्पेशली। तो मैं सोची कि चलो एक तरह से अच्छा ही है, ये बाहर में आ गया तो इसके पीछे का भी मुझे थोड़ा सा साफ करना था, बहुत दिन से सोच रही थी, तो आज एक ही साथ में दोनों काम भी हो गया। तो वही मैं यहाँ पर साफ कर रही थी एंड इसी बीच में सम्राट आके फिर से इसको डिसइन्फेक्ट करके गया है, क्योंकि मन में एक थोड़ा सा डर लगा रहता है ना, क्या पता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, क्योंकि वो चीज़ तो समझ में ही नहीं आता है कि कहीं पे है भी या नहीं। तो वही सब चीज़ कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको साफ़ सफाई कर रही थी एंड सम्राट को फिर से इसको लेके जाना है घर के अंदर मीन बेडरूम के अंदर, इसको जो चीज़ जहाँ पे था उसको रखना भी है, प्लेस करना है उसको। तो यहाँ पे मैं हमेशा ये सब फर्नीचर कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ, तो वही मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, सामने की तरफ, आगे की तरफ एंड ऊपर में, ये सब तो मैं हमेशा करती हूँ, थोड़ा सा साइड एंड पीछे की तरफ अच्छे से कर ली हूँ एंड अभी मैं घर में बाहर से कोई आया था तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज डेटॉल से और एक बार मॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि सुबह में मेरा जो हाउस हेल्पर है वो आके ऑलरेडी मॉपिंग झाड़ू सब कुछ करके गई थी, लेकिन उसके बाद ये कारपेंटर आया तो फिर से और एक बार डिसइनफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं लाइजॉल यूज़ नहीं कर रही हूँ, डेटॉल ही यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं मॉपिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट की हूँ बेडरूम से, क्योंकि आज ना मेनली जो काम था वो हम लोग का बेडरूम में ही था, तो इसीलिए मैं अच्छे से कर रही हूँ एंड उस जगह पे थोड़ा सा ड्रिलिंग किया है बोल के थोड़ा सा जो डस्ट है वो नीचे भी गिरा था, तो मैं हाथ से भी थोड़ा सा कर ली हूँ ताकि कोई भी डस्टिंग वहाँ पर ना रहे, तो इसीलिए तो जस्ट अच्छे से मैं अभी वही मॉपिंग कर रही हूँ एंड डेटॉल से क्लीन करने से ना एक तरह से बहुत अच्छा सा एक स्मेल भी आता है एंड एक रिफ्रेशमेंट भी लगता है एंड एक साथ में दोनों काम हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे बेडशीट भी बिछाना है, क्योंकि जो पुराना वाला बेडशीट था उसको मैंने उठा दिया है, तो इसीलिए एंड इसीलिए मैं बेडशीट धो भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज ये कारपेंटर आने वाला है, तो मैं सोची थी कि वो चले जाए उसके बाद ही मैं एक बार में से बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा मॉपिंग का काम हो गया है, अभी बस सम्राट जो फर्नीचर है उसको अंदर लेके जाएगा। ठेले 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 नाओ, ठेले नाओ, किच्छु हबे ना, किच्छु घोषटाबे ना सम्राट, एटा ठेले आनो, आस्ते आस्ते। सो यहाँ पे सम्राट पहले ऐसे ही इसको अंदर की तरफ लेके गया था कि सोचा था वहाँ पे जाके इसको ठीक करेगा, लेकिन वहाँ पे प्लेस थोड़ा कम है तो इसीलिए पहले से ही उसको एकदम ठीक से करके फिर अंदर लेके जाना है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड वैसे आप लोगों का इस चैनल में वेलकम तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं ऐसे आमने सामने आप लोगों के साथ आके बाद बहुत टाइम के बात कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल गया ना कि मैं आज सोची थी आप लोगों को कि कुछ भी ब्रेकफास्ट स्पेशल बना रही तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसी बीच में मतलब स्टार्ट भी की थी लेकिन उसी बीच में आ गया था कारपेंटर, तो उसी काम में हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे एंड अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ये कोविड सिचुएशन में कोई भी अगर बाहर का इंसान
घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करना, ये सब का काम भी बढ़ गया है अभी। तो हम लोग जब भी कारपेंटर को बुलाते हैं ना तो बहुत सारा काम लेके हम लोग एक्चुअली बुलाते हैं, क्योंकि एक दो काम करने के लिए नहीं बुलाते हैं। तो बहुत सारा काम हुआ है, क्या क्या हुआ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एंड आज मेनली काम था हम लोग का बेडरूम का, तो वो बहुत दिन से मैं आप लोगों को साथ शेयर की थी कि हम लोग ऐसे एक फ़ोटो फ्रेम बना के रखे थे लेकिन उसको फिट करना बाकी था, तो बहुत दिन से ये पेंडिंग था। तो आज फाइनली ये सब काम तो हो गया, तो चलिए झटपट से दिखा देती हूँ कि क्या क्या काम किए हैं हम लोग। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग ये फ़ोटो फ्रेम को फिट कर दिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये जो वॉल था ना ये पूरा एकदम खाली खाली सा लग रहा था, तो इसीलिए इसको यहाँ पे सेट किए हैं। ये एक्चुअली मेरा जो बेड साइड टेबल है उसके ठीक ऊपर में हम लोग इसको फिट किए हैं। एंड इसका जो क्लॉक है उसमें अभी तक हम लोग बैटरी नहीं दिए, तो ये अभी बंद है। तो ये कैसा लग रहा है ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड उसी साथ देखिए यहाँ पे मुझे अभी बेडशीट भी देना होगा, तो ये अभी कुछ इस तरह का है। एंड इसको हम लोग पूरा सैनिटाइज कर लिए हैं हर एक जगह को। एंड गाइस, इसके साथ और क्या क्या किए हैं वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी पापा पूजा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हूँ। तो ये जो हनुमान जी का जो ये फ़ोटो है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे लगाने वाले थे, तो बहुत दिन से ये भी हम लोगों के पास पेंडिंग पड़ा था। ये एक्चुअली मम्मी पापा लेके आए थे। एंड घर में ऐसा हनुमान जी का फ़ोटो फ्रेम एक रखना ज़रूरी है, ऐसे हम लोग मानते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर सेट कर दिए है। और गाइस, इसके साथ साथ और एक जगह पे भी हम लोग कुछ लगाया है। क्या लगाया है? टेंटना किचन में आ गए हैं, मतलब किचन का कुछ। जी हाँ, ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी मेरा अमेज़न हॉल में शेयर की हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो अमेज़न हॉल ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा हर एक चीज़। तो इसको मैंने यहाँ पे फिट किए है किचन का, तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरा किचन का लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट करके। फिर अभी हम लोग आ गए थे बेडरूम में, मैं और मम्मी। एंड यहाँ पे जो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है तो उसको ही हम लोग यहाँ पे ठीक कर रहे थे। तो यही रहता है गाइज, जब भी मम्मी आपके साथ हो ना तो मतलब मम्मी ऐसे बैठी नहीं रह सकती है, कुछ ना कुछ काम तो करेगी। एंड जबकि जब देखेगी कि अपनी बेटी कोई काम कर रही है तो उसमें आके हाथ बिटाना तो मम्मी का एक रहता ही है मन का, कि मम्मी को नहीं तो शांति नहीं मिलेगा कि उसमें अगर काम नहीं करेंगे तो। तो मैं बहुत बार बोल रही थी मम्मी को थोड़ा सा आप रेस्ट लो, जाके बैठ जाओ, लेकिन नहीं, बात सुनते ही नहीं है। सो लास्ट में क्या करना पड़ता है ना, मम्मी को हमेशा डांट के फिर बैठाना पड़ता है, अदरवाइज बात सुनेंगे ही नहीं जितना भी मैं बोल लूँ। जब भी मैं बोलती हूँ ना मम्मी थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ, नहीं बैठेगी ही नहीं कभी। तो इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा सा डांट देती हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं डांटूंगी तो मम्मी बात भी नहीं सुनेगी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करके हर एक चीज़ को अपने अपने प्लेस में रख रही हूँ, ताकि हर चीज़ जब अपने अपने प्लेस में आ जाएंगे तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है।
देखिए गाइस, आज बाहर का वेदर इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि रेनिंग हो ही जा रहा है। कल रात से ये स्टार्ट हुआ है, अभी तक ये रुकने का नाम ही नहीं है। बल्कि आज हम लोगों का प्लानिंग था कि कपड़े धोने का, लेकिन वेदर देख के हम लोग ये प्लानिंग को कैंसिल कर दिए हैं। और ऊपर से ना गाइस, आज ये पानी के छिट्टे हम लोगों के बैल्कनी के तरफ ही है, तो एकदम पूरा हम लोग का बैल्कनी देखिए पूरा भीगा हुआ है। थोड़ा टाइम के लिए हम लोग का जो डेली यूसेज का जो कपड़ा होता है वो भी नहीं धो के बाहर रख पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़ोरदार का बारिश चल रहा है। मैं सोच रही थी कि हम लोग के लिए, मेरा और सम्राट के लिए थोड़ा सा बना लेंगे प्रॉन का कुछ, एंड मम्मी पापा के लिए गोभी का कुछ बनाएंगे, एंड उसके साथ थोड़ा सा जीरा राइस बना लेंगे क्योंकि जीरा राइस एकदम झटपट से बन जाता है, तो इसीलिए मैं ये प्लान की हूँ आज। तो देखते हैं ये सब मैं कर पाती हूँ कि नहीं परफेक्टली। एंड आज मैंने मम्मी को एकदम किचन से छुटकारा दे दिए है, क्योंकि होता है ना गाइस, मम्मी हर रोज़ कर रही है यहाँ पे आने के बाद से, तो मैं सोची कि चलो मम्मी को भी, सिर्फ मम्मी को नहीं, हम लोगों में से हर एक वुमेन को एक दिन छुट्टी तो ज़रूर चाहिए। तो आज मम्मी का वही एकदम फंडे संडे सब एक साथ हो गया है, सो मम्मी इसीलिए मस्ती से एक बार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मनपसंद जो भी है हर एक चीज़ कर रहे हैं, एंड पापा अभी पूजा कर रहे हैं, एंड आज मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ इसीलिए मेरा हालत पूरा ऐसा ऐसा हो गया है। तो चलिए गाइस, झटपट से मैं जाती हूँ लंच की तरफ एंड फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। सो इस टाइम मम्मी आई थी मुझे बोलने के लिए कि मम्मी का हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं मुझे, तो मैं बोली कि नहीं कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलती ना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो मम्मी मुझे ही किचन से हटा के खुद ही एकदम बाकी कुकिंग सब कुछ कर लेती, तो मैं वो नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी आज मम्मी थोड़ा सा रेस्ट ले इसीलिए। तो फिर से मम्मी यहाँ पे आई है मुझे भगवान जी का प्रसाद खिलाने के लिए, तो वो मैं खा ली, बहुत ही अच्छा सा वाला प्रसाद दिए थे आज भगवान जी को, ड्राई फ्रूट्स होता है ना, तो वही दिए थे आज प्रसाद में, तो बहुत अच्छा लगता है ये प्रसाद मुझे। एंड इधर में मैं खाने का प्रिपरेशन कर रही थी, तो आज बन रहा है शाही फूलगोभी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फूलगोभी को थोड़ा सा फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए दिया है, एंड वो भी शैलो फ्राई। सो शैलो फ्राई करने के लिए भी मुझे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि फूलगोभी ना थोड़ा सा फ्राई करने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे फूलगोभी शैलो फ्राई हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ एक बोल में उठा के रख रही हूँ, एंड इसके बाद मैं बनाऊँगी इसका पेस्ट जो कि है मेन इन्ग्रीडियंट। सो गाइस, इसी बीच में मैं यहाँ पे बनाऊँगी एक पेस्ट, एंड और एक चीज़, ये जो पेस्ट मैं बना रही हूँ ये मैं दोनों में यूज़ करने वाली हूँ, मतलब गोभी का जो शाही गोभी बनाने वाली हूँ उसमें भी मैं इसको यूज़ करूँगी, एंड सेम तरीके से मैं शाही प्रॉन बनाने वाली हूँ, तो सेम इंग्रेडिएंट्स ही बनाने वाली हूँ, सिर्फ एक वेज और नॉन वेज। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाऊँगी, तो पेस्ट के लिए मैंने एक बड़ा सा ऑनियन ले लिए है, एक टोमेटो ले लिए है, थोड़ा सा मैंने एलमंड ले लिए है, थोड़ा सा कैशू ले लिए है, एंड उसके साथ थोड़ा सा जिंजर ले लिए है, गार्लिक ले लिए है, एंड ग्रीन मिर्ची ले लिए है 5 to 6, एंड उसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा पॉपी सीड्स, तो मैं यहाँ पे 1 tablespoon पॉपी सीड ऐड करूँगी, दैट्स इट। एंड अभी इन सबको मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी, एंड फिर मैं यही पेस्ट को दोनों ग्रेवी में यूज़ करने वाली हूँ। और गाइस, इसके साथ मैं और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, मतलब ये जो खड़े गरम मसाला होता है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। सो इन सबको मैं एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, बस ये पेस्ट ही मेन होता है इन ग्रेवी का। सो चलिए झटपट से ये पेस्ट बना लेती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिए हैं, एंड जो पेस्ट बनाई थी उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, एंड इस पेस्ट को ना अभी बहुत ही अच्छे से कुक करना है, जब तक इसके अंदर का जो ऑयल है वो अलग ना हो जाए तब तक इसको ऐसे ही चलाते जाना है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक एक करके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स वही सब ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिए, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, एंड थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं।
एंड इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दिए थे एंड इन सबको अभी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड कर दे रही हूँ। एंड देखिए यहाँ पे कितना सुंदर से ऑयल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिए थे, तो इसी बीच में मैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर दी ताकि इसमें जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आए। एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किए है, तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैं इसको ना थोड़ा सा ग्रेवी कम करूँगी तो वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जो फ्राई किया हुआ गोभी है उसको, तो अभी इस मसालों के साथ गोभी को बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ से इस टाइम में ना बहुत ही अच्छा सा स्मेल निकला था एंड इस टाइम मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए है। अब इसको लो फ्लेम में कुछ टाइम के लिए मैं कुक करने दूँगी, ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि फूल गोभी पहले से ही फ्राई किया हुआ है तो इसको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड ये मेरा रेडी है, तो लास्ट में मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड कर दे रही हूँ एंड बहुत ही यम्मी होता है यार, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोग अगर वेज हो तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। गाइस मैं सोची थी बारिश रुक गया है लेकिन एक्चुअली ये अभी तक हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा जस्मिन का ये एक हुआ है और इधर में देखिए गाइस यहाँ पे एक साथ में 4, इतना अच्छा लगता है ना गाइस, इतना अच्छा लगता है ना। अगर आप लोगों के पास जिनके पास खुद का प्लांट्स हो ना, वो लोग ही मेरा इस फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सुबह में मैं उठती हूँ ना, तो उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं बाहर जाके देखूँ कि इसमें कितना कौन सा प्लांट में मेरा फ्लावर आया है, और आया है तो कितना सारा आया है, ये सब मैं देखती रहती हूँ। क्योंकि खुद का प्लांट्स होता है ना, मतलब आपका प्लांट्स में फ्लावर आएगा एंड उसी फ्लावर से अगर आप भगवान जी को देंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली ये जो जस्मिन फ्लावर प्लांट है ना, ये मैंने यही सोच के लाए थे कि इसमें जो भी फ्लावर आएगा तो मैं थोड़ा सा भगवान जी को दूंगी, तो यही सोच के लाई थी। तो अभी वो बीच में तो नहीं हो रहा था, तो मैं सोच रही थी क्या हुआ ये प्लांट में फिर से, तो अभी देख रही हूँ एकदम कितना सारा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये फीलिंग्स आप लोग समझ पाएंगे जिनके पास है ये चीज़। और पता है मेरे मायके में ना मम्मी पापा के पास ऐसा बहुत सारा फ्लावर का प्लांट था, तो वो लोग जब उस टाइम में होता था ना ये सब फ्लावर, तो मुझे उतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आता था, उतना समझ में हाँ अच्छा लग रहा है देख रही हूँ बस इतना ही। तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, आज उसमें इतना फ्लावर आया है, उसमें इतना फ्लावर है, उसमें नहीं आया है, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब करते रहते थे हमेशा। तो अभी मैं वो फीलिंग्स समझ पा रही हूँ कि अभी मैं खुद भी प्लांट्स का ये सब रख रही हूँ एंड उसका केयर कर रही हूँ इसीलिए। एंड देखिए मेरे मम्मी को, मेरी मम्मी हमेशा घूमती रहती है एंड कौन सा प्लांट में क्या चाहिए क्या नहीं देखती रहती है। तो अभी ये एरिका पाम को लेके मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी है, हमेशा इसके पीछे ही पड़ा हुआ है कि ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही सब कर रहा है। सो गाइस बहुत ज़्यादा बात कर ली, बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया है मुझे, तो इसके लिए मुझे अभी शावर लेना होगा। सो मैं शावर ले लेती हूँ एंड मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। लेकिन मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर। बाय बाय टेक केयर।